लगता है हर किसी के पीछे ही पड़ गए हैं। दरअसल जब से उनकी फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज हुई है तभी से ये फिल्म हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ रही है। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की फिल्म रेस 3 और आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दिया है। वहीं अब लीजिए खिलाड़ी कुमार ने शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को भी धूल चटा दी है। दरअसल साल 2014 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई किंग खान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 203 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था, लेकिन हाउसफुल ने 205 करोड़ रुपए की कमाई कर शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को हरा दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह हाउसफुल 4 रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में इस तरह रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बता दें कि हाउसफुल की चौथी सीरीज है। इससे पहले रिलीज हुई फिल्म के तीनों पार्ट्स भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुए थे, लेकिन जिस तरह हाउसफुल 4 ने कमाई की उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। फरहाद सामची के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि 3 हफ्ते बीत जाने के बाद ये फिल्म थिएटर्स पर लगी हुई है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ रितेश देशमुख, बॉबी डियोल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं। 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त फायदा हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि हाउसफुल 4 बॉक्स ऑफिस पर और कितने दिनों तक टिक पाती है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाउसफुल 4 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।